नारद का किरदार आपको जब ऑफर हुआ तो किस तरह का रिएक्शन? नारद एक फिलॉसफर है जिससे बड़े बड़े देवता भी डरते हैं और हर जगह पहुंच भी जाते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग रोल था। मैंने बोला कैसे कर पाऊंगा, मगर इस कमेटी के लोगों का विश्वास था। डायरेक्टर, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, इन लोगों ने हेल्प किया। आप बचपन में रामलीला देखते थे? हाँ, बिल्कुल। उस वक्त कौन सा फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था? सबका फेवरेट होता रावण। वो आप बन नहीं पाए। आपका एक आइकॉनिक रोल जो शोले वो किस तरह से मिला? नहीं, वो तो डायरेक्टर रमेश सिप्पी और राइटर सलीम जावेद ये फिल्म बना रहे थे, तो ये ढूंढ रहे थे कि ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो जेलर है। तो मुझे ऐसे बुलाया उन्होंने। सलीम जावेद ने रोल सुनाया। रोल सुनाने के बाद बोले भाई ये देख लीजिए कर सकते हैं, क्या करना है। तो फिर उन्होंने हिटलर के पोज दिखाए, तो वो फिर ड्रेस बनवाई, उनका गेटअप किया और रोल। आज जिस तरह की कॉमेडी है, हाँ, क्या लगता है आपको कितना बदलाव आया है? नहीं, आज के तो देखिए बहुत चेंज हो गया। पहले क्या था, कहानी में कॉमेडियन का स्थान था, एक एक नया ट्रैक चलता था। अब तो सब हीरो हीरोइन सभी हीरो कॉमेडी करते हैं। सर, जब हम में से बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से आप हमें एंटरटेन कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं, और आज आपसे मौका मिला है बातचीत करने का, और उसकी वजह रही दिल्ली में होने वाली लवकुश रामलीला। तो सबसे पहले तो उसी पे सवाल कि नारद का किरदार आपको जब ऑफर हुआ तो किस तरह का रिएक्शन? क्योंकि आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, कॉमेडी भी, दूसरे तरीके के भी, तो नारद का किरदार जो है वो आपको हैरान किया कि मुझे नारद का किरदार ऑफर किया, या अच्छा लगा? नहीं नहीं, बड़ा चैलेंजिंग था ये एक्चुअली, क्योंकि हमने ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखी हुई हैं, फिल्मों में नारद जी को देखा हुआ है। तो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर था वो जीवन साहब। उसके बाद कुछ और मराठी एक्टर आए, वो भी नारद का रोल करते रहे, मगर मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे नारद का रोल करूँगा। मुझे ऐसे बुलाते थे लोग, रामलीला में आइए, नमस्ते कीजिए और फोटो खिंचवाइए, चले जाइए। हाँ, मैं पहली बार जब मुझे किसने बोला, ये लवकुश रामलीला कमेटी के लोगों ने, कि नारद का रोल करना, तो मैं चौंकना हो गया। मैं बोला यार ये तो बड़ा चैलेंजिंग रोल है। एक्चुअली कभी किया नहीं, माइथोलॉजी में कभी हमको किसी ने दिया नहीं रोल। कितनी फिल्में की, रियलिस्टिक फिल्में की, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार साहब, शक्ति सामंत, एलवी प्रसाद, साउथ के लोग, और कभी किसी ने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं दिया। तो ये चैलेंज था। फिर जब स्क्रिप्ट आई और से शुद्ध हिंदी बोलनी, इतना बड़ा ऋषि जो देवताओं को चैलेंज करता है, एक्चुअली मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि इन्होंने सोचा कैसे एक कॉमेडी का रोल करने वाले को। ये कॉमेडी, नारद कॉमेडियन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। नारद एक फिलॉसफर है, वैदिक शास्त्रों का कैरेक्टर है जिससे बड़े बड़े देवता भी डरते हैं और हर जगह पहुंच भी जाते हैं, चुगली भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, मगर इतना बड़ा ऋषि है वो कि बड़े बड़े देवता उनसे घबराते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग रोल था। मैंने बोला कैसे कर पाऊंगा, मगर इस कमेटी के लोगों का विश्वास था। तो जब कॉस्ट्यूम पहना, विग लगाई और नारद के आभूषण पहने, तब मुझे लगा कि हम ये करने की, और डायलॉग और डायरेक्टर, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, इन लोगों ने हेल्प किया। तो थोड़ी प्रैक्टिस की करने के बाद ये कैरेक्टर जब आ गया लाइव रामलीला कमेटी की तरफ से स्टेज पे, तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे जब पता चला आप नारद बन रहे हैं, फिर मुझे पता चला आप मिल रहे हैं, तो एक जर्नलिस्ट के लिए असरानी साहब से मिलना जो है ना, वो एक बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि आज मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला। थैंक यू। तो मैंने आपके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ी पढ़ाई करी। 1972 में आपने जब शुरुआत की गुरु दत्त फिल्म से, आपने बताया कि 12 हीरो आए थे, और तब पूरी फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं नारद बन गई थी पता करने के लिए कि ये 12 लड़के जो है क्या करने वाले हैं। करेक्ट। मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआत जो किस तरह से हुई। वो ये उमंग, फिल्म का नाम था उमंग, और गुरुदत्त फिल्म, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई थे आत्माराम जी, उन्होंने शुरू किया। तो उनको चाहिए थे 12 कैरेक्टर्स, जो एक कॉलोनी में डांसिंग करते हैं, डांसिंग करके एक जगह उस कॉलोनी को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो सुभाष घई, बलदेव खोसा, पेंट कई सब न्यू कमर्स और 6 लड़कियां भी न्यू कमर्स। तो वो और हीरो भी न्यू कमर, हीरोइन भी न्यू कमर। तो उन्होंने बोला कि उसकी हमने 6 महीने प्रैक्टिस की, डांसिंग की 6 महीने प्रैक्टिस, फिर 6 महीने पिक्चराइजेशन, मगर फिल्म चली नहीं। तो लोगों तो बड़े बड़े एक्टर आते थे देखने के लिए हमारे रिहर्सल कि कहीं कहीं इतने हीरो तो नहीं आ रहे हैं, हीरोइन तो नए आ तो नहीं रहे हैं। चंबी कपूर साहब आते थे, चंबी कपूर आए, धर्मेंद्र आए, हीरोइंस भी आई, हेमा जी वगैरह आई, मगर उनको लगा कि पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, मगर वो फिल्म चली नहीं तो कोई बन नहीं पाया। सुभाष के डायरेक्टर बन गए, हम एक्टर बन गए। उस वक्त 650 रुपए आपको मिलते थे, थर्ड क्लास का पास था। अच्छा, अगर एक तरह से मुझे लगा कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब आपकी जिंदगी में नारद बने, गुलजार साहब, क्योंकि उन्होंने आपको बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब की गुड्डी फिल्म में जो है एक किरदार है, उनके पीछे पड़ जाओ तो मिल जाएगा। तो वो किस्सा भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। हाँ नहीं, वो ऋषिकेश मुखर्जी, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, पूना से, तो वो आते थे एज ए गेस्ट लेक्चरर एडिटिंग में, तो मैं था एक्टिंग में, तो वो आते थे। वो तो एक बार वो मुझे किसी ने बोला कि यार ये फिल्में बनाते हैं, बिमन रॉय के असिस्टेंट हैं, तो मिलने गया उनसे मैं बॉम्बे में। तो बोलते थे कि अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? मैंने कहा फिल्म इंस्टीट्यूट से। बोले मैं तो आता हूँ, तो मिलना वहाँ। तो मैंने छोटी सी एक स्किट करके दिखाई थी, तो उन्होंने पसंद किया, मगर बोले जब होगा तो बताएंगे आप। तो एक जब गुड्डी फिल्म बनी तो उनको हीरोइन की तलाश थी, गुड्डी लाइनअप की लड़की। तो किसी ने उनको बोला कि महानगर में काम किया जया बहादुरी ने, आप वहाँ जाइए। वो देखने आए, तो मुझे लगा मैं उनसे बात करता हूँ, बोले नहीं मुझे गुड्डी चाहिए। तो जया बहादुरी से लड़के तब मेरे से मुझे फिर दो सीन का रोल भी दे दिया, जो हीरो बनने आता है और एक्स्ट्रा बन जाता है। तो वहाँ से मुलाकात हुई, फिर मैंने उनकी हर फिल्म में काम किया। तो आप उनके बहुत फेवरेट बन गए और बहुत सारे आपने। हाँ। आपका एक आइकॉनिक रोल जो शोले था, जो मतलब कोई उसको भूल नहीं सकता, वो किस तरह से मिला, उसकी अगर कुछ कहानी? नहीं, वो तो डायरेक्टर रमेश सिप्पी और राइटर सलीम जावेद ये फिल्म बना रहे थे। तो जब कास्टिंग शुरू हुई तो उसमें धर्मेंद्र से अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, गब्बर सिंह के लिए उनको लिया, अमजद खान। तो ये ढूंढ रहे थे कि ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो जेलर है, तो मुझे ऐसे ही बुलाया उन्होंने। सलीम जावेद ने रोल सुनाया, रोल सुनाने के बाद बोले भाई ये देख लीजिए कर सकते हैं, क्या करना है। तो फिर उन्होंने हिटलर के पोज दिखाए हमारे साथ, तो वो फिर ड्रेस बनवाई, उनका गेटअप किया और रोल दिया। तो जो लाइन थी आपकी जो आज भी बड़ी मशहूर है, वो राइटर का कमाल है, वो उन्होंने लिखी थी, मतलब उसमें सलीम जावेद साहब ने लिखी थी और आपने जो है उसको पोर्ट्रे किया। अच्छा सर, आप लोग जिस वक्त कॉमेडी किया करते थे, हम आज भी उन फिल्मों को देखते हैं तो कई बार कोई डायलॉग नहीं भी होता, खड़े हैं एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसमें भी बहुत हंसी आ जाती है, वो कि क्या कर रहे हैं। आज जिस तरह की कॉमेडी है, हाउ क्या लगता है आपको कितना बदलाव आया है? नहीं, आज के तो देखिए बहुत चेंज हो गया। पहले क्या था, कहानी में कॉमेडियन का स्थान था, एक नया ट्रैक चलता था। अब तो सब हीरो हीरोइन सभी हीरो कॉमेडी करते हैं, खुद ही करते हैं, और डायरेक्टर को बोलते हैं कि ये भी डायलॉग छोड़ो हमको दो। तो अब हीरो हीरोइन कॉमेडियन हो गए हैं, तो किसी कॉमेडियन की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक जो पहले कॉमेडियन हुआ करता था वो अब हीरो करता है, वो अब हीरो करता है। इस फिल्म में कॉमेडियन कौन है? इसमें असरानी है या इसमें कोई और? महमूद है, जॉनी वॉकर है, जॉनी लीवर है, ये सब लोग हैं। अब वो नहीं, अब हीरो है, हीरो कोई पहले कॉमेडी करता है, सब सारे हीरो करते हैं। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे नजर रखते हैं, आपको पता है आपके ऊपर कितने सारे मीम्स बनते हैं, कितने सारे जो आजकल सोशल मीडिया पे चलते हैं, तो आपकी नजर रहती है उस पर? नहीं, मेरे को मुझे पता नहीं रहता, कुछ पता नहीं, सोशल मीडिया पे रहते ही नहीं आप? है नहीं, मैंने मुझे पता ही नहीं है क्या ये। अच्छा ये बताइए कि आप बचपन में रामलीला देखती हैं? हाँ बिल्कुल। उस वक्त कौन सा फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था? सबका फेवरेट होता है रावण। वो आप बन नहीं पाए, वो बन भी नहीं सकते। आपकी जो पर्सनालिटी है वो मतलब नहीं, हमको लगता है बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है यार, ये बेवकूफी क्यों कर रहा है, ऐसा लगता था और उससे डरते भी थे हम, बट वो ऐसी मेमोरी रह गई। अच्छा, आपके दौर की अगर बात करें, अगर नारद जी की बात करें तो खबरें हैं जिनके पास हर खबर रहती है, तो उस वक्त ऐसा कोई आर्टिस्ट था जिसके पास हर खबर रहती थी कि हाँ यार इसके पास, इसको सब पता होगा कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, नहीं हमने कभी गॉसिप में हिस्सा लिया ही नहीं। बात क्या है, फिल्म में आप काम करके निकल जाते हैं, उसमें गॉसिप करने के आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो हम तो मैंने 5-5, 6 शिफ्ट किए, 2 घंटे इधर, 4 घंटे उधर, 5 घंटे उधर, तो उसमें टाइम मिलता नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दिया, काम पे ध्यान दिया, कभी सोचा नहीं। खूब आपने हमें एंटरटेन किया और बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर कि आपका आज इंटरव्यू करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।